मैक्रो इकनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट डिमेंड जी स्टूडेंट्स अब हम अपने लिए आई एस एल ए मॉडल डिवेलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम देखेंगे कि हाउ चेंज इन रियल आउटपुट आर द रियल इंटरेस्ट रेट आर लिंक्ड टू द एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट्स ओपन इकोनॉमी के लिए आई एस एल ए मॉडल हम डेवलप करेंगे सो इफेक्ट्स ऑफ चेंजिज इन आउटपुट अराइज इन डोमेस्टिक आउटपुट रेजिज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट्स सो नेट एक्सपोर्ट डिक्लाइन जब डोमेस्टिक आउटपुट में इजाफा होगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर भी और इम्पोर्टेड गुड्स पर भी तो इम्पोर्ट्स की डिमांड में इजाफ़ा हो जाएगा और नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का डिफरेंस है उसमें कमी वाकई हो जाएगी टू तो इनक्रीज परचेजेज ऑफ इंपोर्ट्स अब लोगों ने इंपोर्ट्स ज़्यादा करनी है तो उसके लिए पीपल मस्ट सेल द डोमेस्टिक करेंसी टू बाय फॉरेन करेंसी हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि जितनी इम्पोर्ट्स ज़्यादा होगी उतनी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी सो द इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस द एक्सचेंज रेट और जब भी किसी शेयर की सप्लाई में इजाफा होता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है तो हमारी करेंसी की प्राइस यानी कि एक्सचेंज रेट में कमी बाकी हो जाएगी ओबियसली द अपोजिट विल अकर फ़ॉरन आउटपुट राइज ये तो अभी हमने जो सैनैरियो डिस्कस किया था इसमें हमारे मुल्क की आउटपुट में इजाफा होता है तो उसके ये इम्प्लिकेशन थी अगर हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके साथ हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो अगर वहाँ पर उनकी इनकम में इजाफ़ा होता है तो इसके फिर अपोज़िट सूरत हाल होगी सो so, क्या होगा अगर ट्रेडिंग पार्टनर जो है उसकी इनकम में इजाफ़ा होता है तो वो फिर अपनी इम्पोर्ट्स यानी कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हो जाएगा उसके नतीजे में नेट एक्सपोर्ट्स हमारी राइज कर जाएंगी और एक्सचेंज रेट जो है वो अप्रीशिएट हो जाएगा अराइज इन द डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट काजेज फॉर्नर्स टू वांट टू बाई डोमेस्टिक एसेट्स इनक्रीजिंग द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी एंड रेजिंग द एक्सचेंज रेट तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि जब रियल इंटरेस्ट रेट में तब्दीलियाँ आती हैं तो वो फिर किस तरह से उसका असर होता है तो उसके नतीजे में क्या होगा अराइज़ इन द डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट उसके नतीजे में फॉरनर्स के लिए हमारे एसेट्स मोर अट्रैक्टिव हो जाएंगे ठीक है सो दे विल इंक्रीज द डिमेंड हमारे एसेट्स को परचेज करने के लिए वो हमारी करेंसी की डिमेंड में इजाफा कर देंगे सो so ये इजाफ़ा जो है ये हमारे एक्सचेंज रेट को बढ़ा देगा एप्रीशिएट कर देगा सो द राइज इन द एक्सचेंज रेट विल लीड टू अ डिक्लाइन इन द नेट एक्सपोर्ट्स तो जब हमारे जो एक्सचेंज रेट है उसमें इजाफ़ा हो गया अप्रिसिएट करेंसी करगी तो इसके नतीजे में हमारी जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कमी वाक हो जाएगी ओके okay? क्योंकि इम्पोर्ट्स हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी और उनकी डिमांड में इजाफ़ा हो जाएगा और इसके नतीजे में नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी इफ़ द फ़ॉर रियल इंटरेस्ट रेट राइजे इसी तरह अगर दूसरे मलक का इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो उसके नतीजे में डोमेस्टिक नेट एक्सपोर्ट्स राइज कर देंगी और एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रीसीट हो जाएगा सो समराइज करेंगे इस सारी बात को डिटर्मिनेट्स ऑफ द एक्सचेंज रेट रियल और नॉमिनल अगर हम प्राइसेस को फिक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो दोनों में एक ही तरह की तब्दीलियाँ आएंगी एक ही डायरेक्शन में आएंगी सो एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक आउटपुट अगर पाकिस्तान की जीडीपी में इजाफ़ा हो जाता है तो इट विल काज आवर एक्सचेंज रेट टू फॉल अभी हमने उसकी डिटेल देखी क्यों होगा इसलिए कि हायर डोमेस्टिक आउटपुट रेजेज डोमेस्ट डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स एंड इनक्रीजि सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कि हमारी इनकम में इजाफा हो गया लोगों ने ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया इंपोर्टेड गुड्स पर भी ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया जिसके नतीजे में हमारी करेंसी की सप्लाई में इजाफा हो जाएगा और एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा फॉरन आउटपुट में इजाफ़ा होगा तो उसके नतीजे में इसके उलट सूरत हाल होगी कि फ़ॉर कंट्री जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर उसके आउटपुट में इजाफ़ा होता है तो वो लोग अपनी इम्पोट्स और यानी हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाएगा उसके नतीजे में और उसके नतीजे में जब हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा तो उसके फिर इम्पेक्ट होगा कि हमारी करेंसी की डिमांड में इजाफा होगा और वो अप्रीशिएट करेगी डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट में अगर इजाफा होता है ठीक है तो उसके नतीजे में हमारा एक्सचेंज रेट राइज़ कर दिएगा इसलिए कि अभी हमने देखा कि उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे एसेट्स उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे वो उनकी डिमांड में इजाफा करेंगे करेंसी की डिमांड में इजाफ़ा होगा और एक्सचेंज रेट राइज कर देगा और इसके अपोजिट होगा अगर फॉरेन रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होता है तो फिर हमारी करेंसी डेप्रीसीट कर देगी और अगर वर्ल्ड डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स के ओवरऑल वैसे ही पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी डिमांड में इजाफ़ा हो जाता है तो उसके नतीजे में भी हमारी करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा डिटर्मिनेट्स ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की अगर आउटपुट में इजाफा होता है तो उसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट्स डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ठीक है फॉल कर जाएंगे इसलिए कि इम्पोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे और जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा फॉरेन करंटी की अगर इनकम में इजाफ़ा होता है तो इसके रिवर्स सूरत हाल होगी और इसी तरह से डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होने के नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स फॉल हो जाएंगी क्योंकि डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट में जब इजाफा होगा तो हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी हमारे एसेट्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे डिमांड बढ़ने से उसकी एप्रिसिएट हो जाएगी और अप्रीसीट होने के नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी इम्पोर्ट सस्ती हो जाएंगी तो ये नेट एक्सपोर्ट्स फॉल कर जाएंगी और इसके सूरत हाल होगी अगर फॉरेन कंट्री के इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा हो रहा है और अगर वर्ल्ड डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स अगर किसी वजह से हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं उनकी वर्ल्ड डिमांड में अगर इजाफा हो जाता है तो उसके नतीजे में ओबियसली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और जो नेट एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाएगा ओके थैंक यू